वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे बोनस शेयर क्या होता है और ये इन्वेस्टर को कैसे बेनिफिट करता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो बोनस शेयर एक्चुअली ऐसे है कि अगर किसी इन्वेस्टर के पास में अगर 100 शेयर हैं और कंपनी बोनस अनाउंस करती है 1:1, तो उसे एक शेयर पे एक शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा। अब उसके पास हो जाएंगे 200 शेयर्स। तो ये कैलकुलेशन कैसा होता है, ये 1:2 के फार्मूले कैसे होते हैं, तो पहले हम लोग ये फार्मूलेज देखते हैं कि 1:1 इसको समझा कैसे जाता है। तो अभी समझ लीजिए, अगर ऐसा है कि 1:1, 1:2, 1:3, 2:5, 5:9 अगर ऐसे रेशियोज़ दिए हैं, तो इसमें एक शेयर पे एक शेयर वो तो हम समझ गए कि पहले वाले केस में, बट अगर दूसरे केस में लिखा है 1:2 या फिर तीसरे केस में लिखा है 1:3, तो यहाँ पे क्या है, एक शेयर पे तीन शेयर मिल रहे हैं कि तीन शेयर पे एक शेयर मिल रहे हैं, ये जानना ज़रूरी है। तो आप लोग यहाँ पे ये लिंक रखिए कि राइट साइड वाला जो है, राइट साइड वाला उतने शेयर्स पे हमको लेफ्ट साइड वाला शेयर्स मिलने वाला है। मतलब अगर कहीं 2:1 लिखा है तो हमको दो शेयर पे एक शेयर मिलेगा, 3:1 लिखा है तो तीन शेयर पे एक शेयर मिलेगा, वैसे ही 2:5 और 5:9 लिखा है तो पांच शेयर पे दो शेयर और 9 शेयर पे पांच शेयर्स मिलेंगे। आइए देखते हैं ये बोनस का कैलकुलेशन कैसा होता है। मिस्टर ए के पास 100 रुपये के रेट से 100 शेयर्स पड़े हैं एक्स वाई जेड कंपनी के, तो 100 × 100 इज इक्वल टू 10,000, तो इनकी टोटल वैल्यू है 10,000। उसी कंपनी ने 1:1 के रेशियो से बोनस अनाउंस कर दिया है। ओके, अब यहाँ पे इनके पास 100 शेयर पे 100 शेयर मिलेंगे तो हो गए इनके पास 200 शेयर। 200 शेयर इंटू 100 इज इक्वल टू 20,000, तो यहाँ पे 20,000 हो गया। तो ऐसा कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे कैलकुलेशन ऐसे होता है कि जैसे ही शेयर्स के नंबर्स बढ़ेंगे उसी के अकॉर्डिंग प्राइस को एडजस्ट किया जाएगा। तो अगर शेयर्स डबल हो रहे हैं तो वहाँ पे प्राइस को भी डिवाइड बाय 2 करके हाफ किया जाएगा, तो वो एक शेयर की वैल्यू हो जाएगी 50 रुपये। तो 200 शेयर इंटू 50 रुपये पर शेयर इज इक्वल टू 10,000। तो आपका शेयर्स का नंबर बढ़ा है बट प्राइस कम हुई है और आपका 10,000 इस 10,000 ही रहेगा। तो तुरंत इसमें कोई ऐसा खास बेनिफिट नहीं मिलता है, इसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म में होता है। लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ऐसा होता है कि अभी अगर ये शेयर 100 रुपये वापस जाते हैं तो आपका अमाउंट डबल हो जाएगा। उसके अलावा अगर आगे जाके कंपनी और बोनस देती है तो और शेयर्स मिलते हैं हमें, प्राइस कम होती है, तो ये जब भी 100 रुपये पहुँचेगी तो उस टाइम पे हमें हैवी प्रॉफिट होगा। और दूसरा चीज़, अब जो हमें बोनस के ऊपर डिविडेंड मिलेगा, हमें 100 शेयर्स के जगह 200 शेयर्स पे मिलेगा, तो यहाँ पे भी हमें एक बेनिफिट मिलता है कि 200 शेयर्स के ऊपर हमको डिविडेंड मिलेगा। फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फाल्कन फिन, और साथ ही साथ क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पे, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।